गाइस फाइनली ये वीडियो के लिए जो मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड था आज आ रहा है, आज आ तो गया है। हाँ, तो जैसे कि आपने देखा थंबनेल पर, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पार्टी स्पीकर। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने देखा थंबनेल पर, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कम खर्चे के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा पार्टी स्पीकर बनाने वाले हैं, जो कि लोकल मार्केट पर 20 से ज्यादा रेट, 20 हजार की बात कर रहा हूँ यार, 20 रुपए या 200 मत समझना। जी हाँ, 20 हजार के ऊपर ये पार्टी स्पीकर्स अच्छे वाले मिलते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 5 से 6 हजार रुपए के अंदर 5 से 6 हजार से भी कम उसको खर्च करके एक बहुत ही बेहतरीन सा पार्टी स्पीकर बनाने वाले हैं, जैसा कि देखा आपने थंबनेल पर। सो गाइस, ये वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो आप भी एंजॉय कीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ऑलराइट, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है गाइस, वीडियो देखकर आपको पता ही लग जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट पर भी बता सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग, अरे यार बोल चुका था क्या इंट्रो, ठीक है सुन लो एक और बार। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारा स्पीकर का कंट्रोल पैनल। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि चार चार कंट्रोलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, मतलब चार चार यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर दिया गया है। ये है पहला वाला, ये है मतलब मेन वॉल्यूम का, और ये है गाइस मैं दिखा दूँ आगे का जो ये वाला वोफर लगा है, ये वोफर का बेस कंट्रोल करेगा ये वाला, और ये है टोटल हमारा पूरा जो स्पीकर है सब कुछ, उन सब का बेस ये कंट्रोल करेगा, और ये इन सब का ट्रेबल को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर गाइस आप AUX मोड पर भी इसको चला सकते हैं। तो इसके अंदर का वायरिंग कुछ इस तरीके से गाइस हमने किया है। ये जो वायरिंग है गाइस, इसको करते समय बहुत से दिक्कतें आई हैं, इसलिए माफ़ करना कि हम इसका पूरा वीडियो नहीं दे पाए, लेकिन मैं इसको इसका एक एक करके, मतलब इस पर हमने 3055 बोर्ड को यूज़ किया है, इसका वायरिंग गाइस मैंने डाला हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ हमने TDA 2030 के 6.1 के किट को भी पैरेलल करके इसके साथ लगाया, इसका भी वायरिंग गाइस बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी गाइज मैं इसको जस्ट अंदर से इसका जस्ट बेसिक दिखा देता हूँ कि इसको कैसे किया हमने किया है और कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ किए हैं गाइज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाइज यहाँ पर हमने एक 24024 5 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर और 12012 का 5 एम्पेयर एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पर 12012 का 3 एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। और गाइज मैं बता दूँ 24024 का ट्रांसफार्मर है हमारा ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं 3055 बोर्ड के लिए, और जो 12012 का 5 एम्पेयर है वो है हमारा TDA 2030 का 6.1 का किट के लिए। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि फ्रंट की तरफ पर हमने एक, और यहाँ पर गाइज ट्रांसफार्मर हीट ना हो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रंट की तरफ पर 2 वेंटिलेशन फ़ैन लगाए हैं, और बैक के तरफ पर भी हमने 2 वेंटिलेशन फ़ैन लगा दिए हैं, और इन चारों वेंटिलेशन फ़ैन को हमारा ये वाला ट्रांसफार्मर चलाएगा। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि हमने 2-2 रेक्टिफायर भी लगा रखा है इसके साथ। यहाँ पर है इसका मेन रेक्टिफायर जो कि जो 24024 का DC है वो यहाँ इस किट पर देगा। और गाइस बस इसका कनेक्शन कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक 12 वोल्ट का सर्किट लगाया है, 12 वोल्ट का अडाप्टर का सर्किट, जो कि हमारा फ्रंट पर ये चेसर हमने लगाया है, इन चेसर को चलाएगा। और गाइस मैं दिखा दूँ, इसके पास हमने एक 5 वोल्ट का भी अडाप्टर लगाया है जो कि हमारे ब्लूटूथ पैनल के पास जाएगा। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कुछ LEDs भी लगाए हैं पेटी के साथ, जिसको कि हमने कनेक्ट कर दिया है ये जो 7805 का ट्रांजिस्टर है जहाँ से 5 वोल्ट का आउटपुट आता है उसके साथ, जो कि फैन घूमने पर लाइट अगर जलेगा तो अच्छा दिखेगा। तो बस ऐसा ही था, अब इन सारे को हम फिट करते हैं, मतलब स्क्रू वगैरह दे के, और इनको चला कर हम टेस्ट करते हैं कि कैसा ये चल रहा है।
तो गाइस यार आशा करता हूँ आपको ये पार्टी स्पीकर अच्छा लगा होगा, लेकिन इसका जो आप ओरिजिनल वाला जो साउंड है ना वो ये NCS के सॉन्ग में अच्छे से सुनाई नहीं देता पहली बात, और दूसरे जो माइक से हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो इतने अच्छे से गाइस इसका जो साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जिसके वजह से इसका जो असली वाला बेस है ना वो सुनाई नहीं देता। इसके लिए मैंने दूसरा सॉन्ग प्ले करके इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, यहाँ पर अगर डालूंगा तो कॉपीराइट का झंझट रहता है, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं कि कैसा इसका साउंड आता है। सो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और गाइस याद दिला दूं,